कि गरम चाय की प्याली हो मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू रेन ट्रिया विद गरम चाय की प्याली हो एंड मेड बाय विद माय मदर्स हैंड वन एंड ओनली माय मदर्स हैंड एक्चुअली आज मैं सोच रही हूँ मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी मैं आज ये क्यों बना रही हूँ और आज मैं यूट्यूब क्यों क्रिएट कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल क्यों बनाया ये सब चीज़ है ए टू जेड सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना एक कामयाब मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है बट यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में बींग फ़ीमेल मैं ये बोलूँगी एक फ़ीमेल के सक्सेसफुल होने के पीछे एक फ़ीमेल का हाथ होता है एक बेटी जब सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे उसकी माँ का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हाथ होता है वो अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना मैं ट्रेन से चलना जानती ना मैं कुछ खरीदना जानती ना मैं बोलना जानती ना कुछ माँ बहुत बड़ा लाइक like, एक बेटी की बैकबोन होती है माँ भले ही उसकी शादी हो जाए उसका घर बस जाए शादी के सालों बाद बट स्टिल उसकी माँ का हाथ तो उसके सर के ऊपर रहेगा क्योंकि माँ जैसा सपोर्ट कोई और नहीं करता अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ऐसी कुछ मेरी भी मम्मी है आज वो सुन के थोड़ा खुश हो या आई डोंट नो क्या उन्हें फील होगा बट मैं भी दुनिया के सामने बोलना चाहती हूँ मुझे ट्रेन से अकेले ट्रैवल करने से लेकर यूट्यूब क्रिएट करने से लेकर रोज़ एक वीडियो डालने तक लेकर क्या खाना है कब उठना है कैसे क्या करना है हर एक चीज़ में हर एक फ्यू सेकेंड्स में मेरी मम्मी का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है और ये मैं पूरी दुनिया के सामने ये मैं एक्सप्रेस करती हूँ yes, यस मेरी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे मेरी मदर कहाँ थे उसके बाद सॉरी पापा बट उसके बाद पापा आते हैं पहले मम्मी फिर पापा सक्सेसफुल लाइफ के लिए बट और कुछ मैं बोल नहीं सकती बिकॉज़ यही रियलिटी है कभी कभी हमें दुनिया के साथ या या दुनिया भी नहीं मैं रिकॉर्ड करी वॉइस ओवर खुद में जब कोई सुनेगा तो सुनेगा बट स्टिल मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का मेरे सर पे हाथ है मैं यूट्यूब की वीडियो भी एडिट करनी करती हूँ कुछ नहीं करूँगी अगर मूड लेजी भी होगा तो मम्मी बोलेगी आज कोई वीडियो नहीं डाल रही है मुझे देखने के लिए क्या मिलेगा यूट्यूब पे मैं तो सिर्फ तेरी ही वीडियोस देखती हूँ मुझे फिर लगता है कोई देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट तो मेरी मम्मी तो देख रही है वो तो इंतज़ार कर रही उनके इंतज़ार को तो पूरा करा जाए एक्चुअली वो भी लाइक एट दी एज ऑफ फोर्टी फाइव वो भी ट्राई करिए अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए एज आ मदर शी इज़ वेरी वेरी परफेक्ट एज अ डॉटर एज आ वाइफ सब चीज़ में परफेक्ट है बट एक ख़ुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए वो दिन रात लगी रहती हैं अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो गीता कि रसोई करके उनका चैनल है उसे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए गाइज एंड एट द एंड आई लव यू मम्मी बाय गाइज यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग